दोस्तों, ये मेरा जो मोबाइल है ये सैमसंग का मोबाइल है और ये जो मेरा टीवी है ये रियलमी का टीवी। आप देख सकते हैं मैंने अपने मोबाइल का जो स्क्रीन है वो मैंने अपने रियलमी के टीवी के साथ में शेयर कर रखा है, लेकिन जो प्रोसेस अभी मैं आपको बताऊंगा इस प्रोसेस से आपके पास चाहे कोई सा भी मोबाइल हो, चाहे सैमसंग का मोबाइल हो, चाहे वीवो का मोबाइल हो, चाहे रियलमी का मोबाइल हो, चाहे रेडमी का मोबाइल हो, चाहे ओप्पो का मोबाइल हो, चाहे वन प्लस का मोबाइल हो, या चाहे आपके पास आईफोन ही क्यों ना हो, यानी आप किसी भी मोबाइल को और किसी भी टीवी के साथ में, चाहे आपके पास रियलमी का टीवी हो, चाहे सैमसंग का टीवी हो, चाहे वन प्लस का टीवी हो, चाहे एलजी का टीवी हो, चाहे सोनी का टीवी हो, या चाहे आपके पास ब्राविया का टीवी हो, यानी आप किसी भी मोबाइल को और किसी भी टीवी के साथ में आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। बस आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लीजिए। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, वहाँ पर आपको मोबाइल का स्क्रीन दिख रहा होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने मोबाइल का डाटा और हॉटस्पॉट यहाँ पर हम ऑन कर लेते हैं और अपने टीवी में इंटरनेट जो है कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको अपने टीवी में सबसे पहले इंटरनेट जो कनेक्ट कर लेना। अगर आपको अपने टीवी में इंटरनेट कनेक्ट करना नहीं आता है तो मैंने उसके लिए पहले से वीडियो बना दिया, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे टीवी में जो इंटरनेट है वो कनेक्ट हो चुका है, आपको इस बात का ध्यान देना है। उसके बाद में आपको एक बात का और ध्यान देना है, आपके टीवी के साथ में कोई भी सेटअप बॉक्स या डिश टीवी कनेक्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल हमारा टीवी वही ऑन है और उसके साथ में कोई भी सेटअप बॉक्स या डिश टीवी नहीं लगा है। यहाँ पर आपको इस बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद में यहाँ पर हम प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हमें एक छोटा सा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है जिसका नाम है गूगल होम एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हमने इस एप्लीकेशन को पहले से इंस्टॉल कर लिया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इंस्टॉल कर रखा है। उसके बाद में सिंपली हमें ओपन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप ओपन पर क्लिक करेंगे उसके बाद में सिंपली आपको गेट स्टार्टेड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना। उसके बाद में अलाउ नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है जहाँ पर आपको सिंपली नोट नाउ वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको ओके कर देना है। अब उसके बाद में यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पर आपको सिंपली डिवाइस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपके टीवी का जो नाम है मॉडल है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। जैसा मेरा एंड्रॉयड टीवी है तो यहाँ पर हमें दिख रहा है एंड्रॉयड टीवी, सिंपली हमें इस पर क्लिक कर देना है। एंड्रॉयड टीवी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में उसके बाद में यहाँ पर आपको सिंपली कास्ट माई स्क्रीन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना। उसके बाद में सिंपली आपको कास्ट स्क्रीन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना। इतना करने के बाद में यहाँ पर आपको स्टार्ट नाउ वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब जैसे आप स्टार्ट नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तुरंत आपके मोबाइल का जो स्क्रीन है वो आपके टीवी के साथ में शेयर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे मोबाइल का जो स्क्रीन है वो हमारे टीवी के साथ में शेयर हो चुका है।